दर्शकों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों, आज हमारे खास मुलाकात इस प्रोग्राम में इनविशन के स्टूडियो में आए हुए हैं एक ऐसी शख्सियत जो पिछले कई वर्षों से ज्योतिष गणना का काम करते हैं और भविष्य भी बताते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शहर के ऐसी पर्सनैलिटी जो इस समय में हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है अनिल सिंह तोमर साहब। तो आप है अनिल सिंह तोमर साहब, जो पिछले कई वर्षों से होर्डिंग्स यानी जो जाहिरात होता है उनके जाहिरात का वे बखूबी के साथ काम भी करते हैं। इसके बावजूद उन्हें ज्योतिष गणना में काफ़ी रुचि भी है। इसके बावजूद वास्तुशास्त्र में सर आपको अच्छा अध्ययन भी है ज्योतिष शास्त्रों को लेके। इन्होंने दर्शकों अब तक के 2019 में ज्योतिष गणना के आधार पर तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। आखिरकार तीसरे भविष्यवाणी युद्ध के बारे में क्या हुआ, आइए और ज्योतिष जो गणना होती है वो क्या होती है, ये तमाम बातों के ऊपर में तमाम पहलुओं पे हम प्रकाश डालने के लिए आज इन्हें बुलाया है अनिल सिंह तोमर साहब से। करते हैं उन्हीं का रुख और जानना चाहेंगे उनसे ही कि आखिरकार तीसरा महायुद्ध जो विश्व युद्ध इन्होंने जो होना होगा ऐसी जो इन्होंने भविष्यवाणी की थी वो कितनी असरदार रही, हुई है या नहीं हुई है, ये तमाम बातें उनसे जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका तो खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं तोमर साहब। नमस्कार तोमर साहब, आपने जो एक भविष्यवाणी की थी जो समय था जून 2019 की बात है, लगभग जून 2019 में आपने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी कि विश्व युद्ध होगा, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं है। सवाल मेरा है कि अगर आपकी भविष्यवाणी, क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो भविष्यवाणी जून 2019 में तीसरा महायुद्ध या विश्व युद्ध होने की जो बात कही थी वो सरासर गलत निकली, झूठी निकली, आपकी जो भविष्यवाणी है वो झूठी साबित हुई अनिल तोमर साहब, ऐसा लोगों का कहना है, इस पर आपका क्या कहना है? संजय जी, ऐसा है, भविष्यवाणी जो होती है जी वह ज्योतिष की गणना के ऊपर होती है। जो सितारे होते हैं ब्रह्मांड में, जो ग्रह हैं जी, सूर्य चंद्रमा शनि राहु केतु, इन्हीं की गणना करके भविष्यवाणी की जाती है जी। अब आदमियों को क्या आदत पड़ी हुई है लोगों को कि सर दुखा, क्रोसिन खाई, आराम लग गया जी, उस क्रोसिन के बाद खाने से बाकी क्या साइड इफेक्ट होगा उसके बारे में नहीं नॉलेज। बिल्कुल। तो ज्योतिष गणना जो है वह एक ग्रहों की गणना है, हम जो निकालते हैं बहुत डीप में जाके निकालते हैं, शनि ग्रह क्या है, राहु क्या है, बुध क्या है, बृहस्पति क्या है, ये कौन से तत्व से तैयार हैं, इनका पृथ्वी से क्या रिश्ता है, मनुष्यों के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसकी गणना करने के लिए हम फिर कई सैकड़ों साल पीछे जाते हैं जी। 1903 में जी, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था जी जी, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी उसके ऊपर हमने विचार किया। 1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी हमने उसके ऊपर विचार किया जी। वर्तमान 2019 में जो स्थिति बनी हाँ, वह भी लगभग लगभग वैसी ही बन रही थी जी। अब उसमें क्या कमी रहेगी, क्या हम दृष्टि से हम क्या नहीं समझ पाए जो नहीं हुई, लेकिन यदि आप गौर करेंगे उस पर संजय जी, तो भविष्यवाणी जिस हिसाब से हमने की थी उस हिसाब से सटीक सटीक हुई। वो मैंने लिखा था प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, आज देखिए आप दुनिया में जितनी अग्नि इस साल लगी, अग्नि के कारण जितने नुकसान दुनिया में इस वर्ष हुए हैं, आप रिपोर्ट उठाएंगे तो आपको शायद 100-200 साल में तो नहीं मिलेगा। सिर्फ दिल्ली मात्र में आप कितने अग्निकांड हो गए, बॉम्बे में कितनी अग्निकांड हो गए, कितनी बसें जल गई। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजोन है, जिसका कहते हैं कि वो ऑक्सीजन का भंडार है, दुनिया को 20% ऑक्सीजन देता है जी जी, वह क्षतिग्रस्त हो गया, आग बुझ नहीं रही। सही बात। आपको यहाँ बैठे बैठे पता नहीं चलता वहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है, देश का, दुनिया का, प्रकृति का, ब्रह्मांड का, आप आकलन नहीं कर सकते, हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, अभी मैंने टीवी पे देखा था 50,000 जीव जंतु मर गए, जो छोटी क्षति है क्या, वो प्रलय है जी, लघु प्रलय हुआ है, बिल्कुल अग्निकांड हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, महामारी है, वो आपदा है, वैश्विक आपदा है। 2019 की मई जून में बोला था मैंने विश्व युद्ध होगा, यदि आप गौर करेंगे तो पहला जो अटैक हुआ था जहाज के ऊपर ईरान का हाँ, वह जून में हुआ था, विश्व युद्ध तो शुरू हो गया ना उस दिन से। अच्छा,
अब हमको लगता है कि जब तक कोई परमाणु बम किसी देश पर स्पष्ट पटक नहीं देता तब तक हम उसको मानते नहीं हैं। ये बात तो सही है। हकीकत यदि देखी जाए तो विश्व युद्ध शुरू हो गया था उसी दिन से, वो चल ही रहा था, अभी चल रहा है, अभी वो तली नहीं है आपदा। आने वाला जो 18 जनवरी 2020 है जी, उस दिन भी ऐसी कुछ ऐसी गणना, भविष्यवाणी, ज्योतिष गणना या सितारों की गणना या स्थिति बन रही है, तो उस दिन कुछ ना कुछ होगा देश में। अब मैं एकदम 100% बोलूँगा, ऐसा तो 100% हो, जितने भी भविष्य वक्ता हुए ब्रह्मांड में, दुनिया में, संसार में, बड़े बड़े, उनकी भी नहीं हुई, वो भी घुमा फिरा के ही करते हैं। नास्तोद्रम की भविष्यवाणी उठा के देख लीजिए, उसने कहा था एक दो एक जैसी चीज़ें अमेरिका की, कोई स्टील की चिड़िया टकराएगी उससे, अब स्टील, अब बाद में जब हो गई घटना तो बताते वो चिड़िया हवाई जहाज था, वो दो एक जैसी चीज़ें, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे। तो भविष्यवाणी ऐसी ही होती है, उसका गुप्त रहता है, पर्दा रहता है उसके ऊपर, क्योंकि वो एकदम स्पष्ट हो जाएगी ना तो फिर वो भविष्यवाणी नहीं कहलाएगी कुछ और ही कुछ कहलाएगा। एक ग्रहों की जो स्थिति है उनका हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो उनका निष्कर्ष निकाला, उनका जो प्रभाव का निष्कर्ष निकाला, उसके ऊपर से हमने फिर उसमें कुछ इतना दिमाग लगाया कि वो कब किस राशि में होते हैं, किस ग्रह के साथ होते हैं, किस अंश से होते हैं, किसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो उसका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर क्या पड़ता है। तो जो ये 17, 18, 19, 20 में जो प्रभाव पड़ा, जो बनी स्थिति, उसके आधार पर मैंने लिखा था, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो 80-90% तक तो करेक्ट हुआ है। अब माने या नहीं माने, मेरा ज्योतिष इसी पर आधारित है। मैं एकदम वैसा नहीं बोलता हूँ कि भाई वो इस तारीख को अमेरिका उसके ऊपर परमाणु पटक देगा। लगभग लगभग होता है, संभावना होती है, स्थिति बन रही है, नहीं हुई अच्छी बात है। चलो, जिस प्रकार से मतलब आपने ये जो बात कही है कि जैसे अमेरिका और ईरान, इनके बीच में काफ़ी तनाव शुरू है, एक जो मिसाइलें दागी जा रही है और कई लोगों की तो मौत भी हो चुकी है, और जो मासूम लोग हैं उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है इनके युद्ध के दौरान। ठीक उसी प्रकार से जो जंगलों की बात है, तो जंगल चाहे फिर भारत का हो या हो और भी किसी राष्ट्र का, वहाँ पे जो आग जो लग चुकी है वो बड़े पैमाने पे लगी हुई है, कई जंगल खाक हो चुके हैं, कई प्राणियों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है और वहाँ पूरा पोल्यूशन ही पोल्यूशन हुआ है, एक बात है। तीसरी बात, यदि देखा जाए तो जब भी कुछ ऐसा हिंसा होती है या कोई, जब कोई आंदोलनकारी आपस में जब भिड़ जाते हैं, पुलिस वाले भिड़ जाते हैं, तो अक्सर चाहे फिर वो सरकार का जो खजाना जो है, जैसी बसें, जो संपत्ति होती है राष्ट्रीय संपत्ति, उसको भी चाहे फिर ट्रेन हो, बसें हो या और भी जो ऐसी चीज़ें भारतीय संपत्ति, उनको भी काफ़ी हद तक के उनको भी प्रभावित होना पड़ता है, लोग उन्हें प्रभावित करते हैं। तो ये तमाम बातों को देखते हुए जो हुई ये घटना, वही आपकी नज़रों में भविष्यवाणी की थी आपने कि ऐसा होगा, ये आपका कहना है। मेरा एक उससे पहले आपका एक सवाल होने से पहले मैं एक सवाल पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने प्लैनेट के बारे में कहा है कि ग्रह, ग्रह में तो बहुत ज़्यादा सभी ग्रह है, लेकिन सूर्य भी एक प्लैनेट है, सूरज, तो क्या कहना चाहिए उस सूरज प्लैनेट के बारे में जो ठंड के मौसम में दिखाई नहीं देते, बाकी अक्सर जब भी धूप काला है तो बड़ी तेज धूपें देती है अपने। यह ठंडी, बरसात, गर्मी, यह एक अलग बात हो गई है। जो आपने पूछा ईरान, अमेरिका या अग्निकांड वगैरह, इसका क्या ताल्लुक है मतलब जी ग्रह सितारों से? जी जी बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, शनि जो ग्रह है वह दुख का अधिपति है। ओके। पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं उनके कर्मा अनुसार उनको दुख देना, सुख देना नहीं। कुछ लोगों का मानना है शनि सुख देता है, तो बहुत गौर करो उस बात पर, सुख नहीं देना होता उसका, सिर्फ दुख देना होता है। लेकिन यदि कोई दुख नहीं दे तो मनुष्य तो स्वतः सुखी है ही। दुख का मतलब है यदि 30 साल में एक बार आता है, हर जीव के ऊपर आता है, तो ये ब्राह्मण्डीय गणना के आधार पर 30 साल में, और बड़ी गणना पर देखो तो ये 3000 साल में, और बड़ी गणना तो 3 लाख साल में, ऐसा एक उसका एक योग, योग के आधार पर उसका वो एक टाइमिंग है, जैसे 60 मिनट में एक घंटा होता है, 60 सेकंड में मिनट होता है, जी इसी प्रकार से उसकी अलग अलग उसकी टाइमिंग रहती है। तो शनि ग्रह का जो प्रभाव है वो किन किन चीज़ों में पड़ता है? शनि के अधिपतित्व में आता है तेल, तेल, पेट्रोलियम, जितनी भी ज्वलनशील चीज़ें हैं। जी जी जी। शनि से है लोहा,
शनि से तुम्हारा रेगिस्तान, शनि से खेती, इन सब चीजों से जब शनि प्रताड़ित होता है जी, प्रताड़ित होना यानी जो उसका स्वभाव है उसके विपरीत स्वभाव का ग्रह उसके जब साथ में आता है तो वह प्रताड़ित माना जाता है, तो उन चीजों पर उसका प्रभाव पड़ता है और वो चीजें विस्फोटक हो जाती हैं या वो चीजें नुकसान में चली जाती हैं या फिर वो उन चीजों का बहुत अभाव हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि अरब कंट्री जो है सब पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल। अब शनि ग्रह अभी धनु राशि में है, दो साल से जी पिछले, धनु राशि गुरु की है, गुरु और शनि का कहीं से कहीं तक तालमेल नहीं है जी, ज्योतिषीय भाषा में बोले तो शत्रु राशि में है। शनि महाराज पीड़ित हो गए। नंबर दो, शनि के साथ में केतु महाराज बैठे हुए हैं, केतु भी उनका शत्रु है, डबल पीड़ित हो गए। अभी कुछ दिन पहले गुरु महाराज उसी राशि में आ गए जो उनका परम शत्रु है और पीड़ित हो गए। अभी तो सूर्य भगवान भी उसी राशि में चल रहे हैं, मंगल बारवा है साथ में प्रवेश करने की तैयारी में है, अर्थात शनि पांच पांच ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, शुक्र बुध उसका मित्र है लेकिन फिर भी वो साथ में है वहीं जी। इस स्थिति में आप क्या देखेंगे, शनि महाराज से जो जो भी चीजें कनेक्टेड हैं वो सब परेशानी में रहेंगी। आप 2019 का यदि पूरा कैलेंडर देखेंगे, आप 2019 में आप बैक जाएंगे, जितना राजनीतिक उथल पुथल, देश की बात नहीं कर रहा हूँ दुनिया में जी जी, चिली अमेरिका के मैंने सुना है कि 6 देशों में विद्रोह हो रहा है देश के प्रति, चाइना में, हांगकांग में आंदोलन है जी, पाकिस्तान में आंदोलन ही आंदोलन, हिंदुस्तान में आंदोलनों की संख्या नहीं है, तो ये पूरी दुनिया में मचा हुआ है, इसका ये इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल 100% यह ग्रहों का ही खेल है। मंगल के कारण अग्निकांड, सूर्य के कारण राजनीतिक कारण, शनि के कारण उथल पुथल जनता में। चलो ये बात तो मान ली कि शनि के जो चार पांच जो ग्रह है वो टकरा जाने से इस प्रकार की स्थितियां बनती है, ऐसा आपका कहना है। तोमर साहब एक बात ये बताइए कि जैसे कि 2020 की मैं यदि बात करूँ तो 2020 में आपकी जो खगोलीय जो गणना है वो किस आधार पर है, और ये जो खगोलीय गणना जो है वो 2020 कैसा जाएगा, क्या कहना चाहते हैं? 2020 में शनि महाराज 26 जनवरी को शनि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं जी, 15 जनवरी को सूर्य भगवान भी मकर राशि में रहेंगे, एक महीना वो मकर में रहेंगे जी, तो मई अपना ये जनवरी का जो महीना है इसको यदि छोड़ दिया जाए, बाकी ग्रह सब पहले की अपेक्षा स्वस्थ हो जाएंगे जी, शनि अपनी राशि में आ जाएगा, वृश्चिक में मंगल रहेगा जो स्वराशि का ही है, धनु राशि में गुरु महाराज हैं जो स्वराशि के ही रहेंगे, अर्थात 2020-2019 की अपेक्षा शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, सुखमय और आनंदमय ही रहेगा, किंतु यह स्थिति नवंबर तक ही रहेगी, नवंबर में फिर स्थिति विकराल होगी, जैसे कि 2019 में थी, युद्ध की स्थिति फिर बनेगी, और वो यदि नहीं टली तो युद्ध की स्थिति यदि बनी और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई तो युद्ध फिर साधारण नहीं होगा, भयानक होगा और तबाही हो जाएगी, पृथ्वी के ऊपर जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है वह ऑटोमेटिक ही नियंत्रण में आ जाएगा, यह मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या जो आबादी है देश की वो लगभग 130 करोड़ के आसपास है, और ये जो आबादी है जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और जिस प्रकार से इन्होंने जो ग्रह के बारे में, जो प्लैनेट के बारे में बात कही है कि आपस में उनका टकराव हुआ, ये कितना सच्चाई है इसमें ये तो नहीं जान सकते, लेकिन एक बात तो है कि आए दिन लोगों को कई मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कोई विद्यार्थी है तो उसको एजुकेशन का प्रॉब्लम है, जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादी का प्रॉब्लम है, जो बूढ़े माँ बाप है वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे वो कामकाज पे लगे और हमारा गुजर बसर उन्हीं से हो, क्योंकि आज उनके हाथ पाँव कुछ काम नहीं करते। तीसरा ऐसे कि जिन्हें छत नहीं है, खुद का मकान नहीं, वो भी चाहते हैं कि हमारा खुद का मकान हो, और पांचवी बात यह है कि एक भाईचारा जो है दिन ब दिन कम होते हुए नजर आ रहा है, इसी को लेकर मेरा वो भी सवाल है, वो सवाल मैं आपसे लेने वाला हूँ। तोमर साहब इसके बारे में मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जहाँ 2020 की बात आती है, 2020 शुरू हुआ है, 2019 और उससे पहले की जो
2010 तक के अगर आंकड़ों पे यदि ध्यान दिया जाए तो भारत की जो आर्थिक जो स्थितियां थी जो थी उसके अगर बराबरी में अगर मैं कहना चाहूँ तो 2020 की आर्थिक स्थितियां कैसी हो सकती है, क्या कहता है आपका ज्योतिष? आर्थिक स्थिति के बारे में देखो, राजनीतिक ज़्यादा मेरे को ज्ञान है नहीं, आर्थिक ज्ञान भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ग्रहों के आधार पर यदि आप पूछना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ कि जो आपका 17, 18, 19 जो गया है उसकी अपेक्षा कर तो 2020 सुंदर लग रहा है जी। और इसमें आर्थिक स्थिति देश की अच्छी रहेगी और उसमें उन्नति होगी। जो राजनीतिक हलचल जो 2019 में रही वो हलचल में शांति आएगी, पब्लिक भी शांत रहेगी, कृषि का उत्पादन अच्छा होएगा, तो स्वाभाविक है कि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उसमें प्रोग्रेस है। लेकिन जब प्रकृति की बात आती है तो आए दिन जैसे सुनामी की लहर चली, कोई जो भूकंप है वो उसके कहीं ना कहीं जो असर है वो दिखाई दिए, कई मकानें क्षतिग्रस्त हुई, कई लोगों मतलब डरे सहमे से नजर आए, जो अभी भूकंप हुआ था, समंदर की लहरें वो भी, ये जो नैसर्गिक जो बातें हैं वो अभी देश दुनिया को मान नहीं रही है, वो अपने आप में इतनी उतारू हुई है कि वो अब किसी को मानना नहीं चाहती, क्योंकि नेचर के खिलाफ ये तमाम बातें हो रही है, इसलिए नेचर भी अपना जो रूप है वो अलग दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल सही बोले आप एकदम संजय जी। क्या है, जमीन उतनी ही है, लाखों साल पहले जितनी थी उतनी ही अभी है और उतनी ही रहेगी, वो बढ़ने वाली नहीं है। किंतु जो हमारी जनसंख्या, हमारी जो ज़रूरतें, हमारे जो भोग विलासता की चीज़ें हैं, वो दिन पर दिन विज्ञान टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से बढ़ रही है और प्रकृति का जो दहन हो रहा है उससे तो फिर वो नुकसान होगा ना, प्रकृति का नुकसान होगा तो वो तुम्हारा भी नुकसान करेगी ना। प्रकृति, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे है, तो जब प्रकृति का नुकसान होगा तो फिर वो सब कुछ बदलेगा, मौसम बदलेगा, बरसात बदलेगी। आपने देखा होगा, मैंने तो 1995 से मैंने स्वेटर नहीं पहना था, 1995 आज तक स्वेटर नहीं पहना, रजाई नहीं निकाली कभी। इस साल मेरे को रजाई भी निकालना पड़ी, स्वेटर भी पहनना पड़ा, कुछ तो चेंज हुआ है। बरसात भी होती है तो ऐसी भयानक होती है जैसी कभी नहीं होती है, नहीं होती तो पूरा अकाल पड़ जाता है। गर्मी भी इतनी भयानक, अपने यहाँ पे तो ऊपर वाले की बहुत ज़्यादा ऐसी कृपा है या बहुत बड़ी अच्छी दृष्टि है, शुभ दृष्टि है कि उतना ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में आप गौर करोगे तो बहुत भयानक स्थिति है। और ये स्थिति जनवरी तक ही थी जी, 2020 की जनवरी तक। 18 जनवरी 2019 की रात को यदि दुनिया में कुछ नहीं हुआ मेरे आधार पे, मेरी दिमाग फिर से एक बार वो तारीख दोहरा दीजिए, वही मैं बता रहा हूँ, मैं अगले समय में फिर पूछूंगा आपसे। मेरी जो गणना है, जो मेरा जो जहाँ तक मेरा दिमाग दौड़ता है उस आधार पे 18 जनवरी शनिवार रात्रि तक यदि दुनिया में कोई उथल पुथल नहीं हुई तो आगे 8 महीने 9 महीने यानी नवंबर तक शांति ही शांति है, ऐसा मेरा मानना है। और नवंबर के बाद फिर वही स्थिति बनती है और उसके आगे फिर अपन उसके ऊपर फिर विचार करेंगे और आपको हम फिर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से जो अरिजीत सिंह तोमर साहब है इन्होंने ये बताया है कि 18 जनवरी जो कि शनिवार आता उस रात्रि तक के कोई भी बहुत बड़ी बात हो सकती है, जैसे इन्होंने कहा था कि ग्रहों को लेके कि बहुत बड़ी विपदा आ सकती है भारत देश पे या देश दुनिया पे, दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी हो सकता है उथल पुथल, अगर वो शनिवार की रात में यदि नहीं होता है तो फिर शांति का आलम रहेगा, सब तरफ सुचारू ढंग से शांति कायम होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा इनका मानना है। लेकिन उसके बावजूद एक नवंबर भी, नवंबर का भी इन्होंने जिक्र किया है, अगर नवंबर में फिर ऐसी भी जो बातें फिर से आ सकती है, क्योंकि ये आना जाना कम होना बढ़ना ये जो है ये ग्रहों के वजह से होता है, ऐसे ज्योतिष आचार्य इस समय में अमर सिंह तोमर साहब है, इनका ये कहना है। सर, जिस प्रकार से हमने आर्थिक और प्राकृतिक की बातें की, अब हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य है, अगर ग्रहों का इतना ही इफेक्ट है तो भी ये जो सामाजिक जो वातावरण आए दिन देश में भारत देश ही नहीं पूरे दुनिया विश्व में और ख़ासतौर पर हमारे भारत देश में एक बात है कि देश का जो वातावरण जो है, जो भाईचारा, जो आपस में मिलजुल था, वो एक दूषित सा होता हुआ नज़र आ रहा है और आक्रोश दिखाई दे रहा है, जैसे फिर राजनेता हो, जनता हो, आवाम हो, इनको लेके कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बातें कही जाती है, कुछ होता है, ये कई ग्रहों का लक्षण है कि जिसके चलते आज लोगों में एक भय, असमंजसता और एक अलग ही बात है, भाईचारा कम लग रहा है, आक्रोश ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फिर चाहे मुद्दा कोई भी हो देश का, क्या लगता है आपको ये ग्रह राजनेताओं के ऊपर में भी असर कर रहे हैं?
संजय जी, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न किया आपने, क्योंकि इतना आसानी से समझाया नहीं जा सकता है। सारा का सारा खेल ग्रहों को ही, अब ग्रह क्या है फिर वो समझना चाहिए पर अपन को जी, हम क्या है वो समझना चाहिए, सुख दुख क्या है वो भी समझना पड़ेगा। और ये समझाने के लिए आप शायद अपने पास टाइम उतना नहीं है, अभी कभी मौका लगा तो बताएंगे, क्योंकि सारा खेल कर्मों का है। इंसान जीव जो भी है, जो कर्म करता है उसके आधार पर उसका फल मिलता है, सीधी सी बात है। शुभ और अशुभ होते हैं कर्म, दो प्रकार के होते हैं, शुभ होते हैं अशुभ होते हैं, उनमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, एक सकाम होता है निष्काम होता है, जिसके आधार पर तुम्हारी मानसिकता बनती है, और मानसिकता के आधार पर तुमको फिर मित्र मिलते हैं, तुमको शरीर मिलता है, तुमको आर्थिक स्थिति मिलती है, सहयोगी मिलते हैं, तुम्हारा शरीर मिलता है। ये सारा बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, इतना ही आसानी से नहीं उसको अपन यहाँ पे खैर ठीक है, अगर समय के चलते अगर आप वहीं ये नहीं बता सकते, लेकिन राजनीति जो चल रही है आज के तारीख में इसके बारे में तो आप प्रकाश डाल सकते हैं। हाँ, तो वही है कि मनुष्य का जो कर्म लेवल है, मनुष्य की जो भावना है, वह धर्म के एकदम विपरीत है जी। मनुष्य जो करता है आज, वो दिखाता तो बहुत सुंदर है, हकीकत में वो अंदर से कपट भरा होता है, छल भरा होता है, स्वार्थपूर्ण हो गया है। राजनीति में राजा को कैसा होना चाहिए पहले समझे आप, राजा को राजधर्म नहीं मालूम, राजा को राजकर्म नहीं मालूम, प्रजा के साथ उसका क्या व्यवहार होना चाहिए वो नहीं मालूम। राजा शक्तिशाली होना चाहिए, राजा गुणवान होना चाहिए, राजा धार्मिक होना चाहिए, राजा प्रजापति होना चाहिए, अभी राजा सिर्फ स्वार्थी है। हर राजनीतिक लीडर जब भी राजनीति में कदम रखता है तो उसका पहला लक्ष्य यही होता है कि मैं कैसे कमाऊं, ठीक है, कमाने की दुकानदारी है, दुकानदारी है। यह है जो व्यवहार, अब जैसा राजा रहेगा वैसे प्रजा रहेगी, प्रजा का भी वही है। हर आदमी के अंदर मात्र धन अर्जित करने की ही अपेक्षा है और उसी के बारे में उसकी विचारधारा है। धर्म, परस्वार्थ, व्रत, नियम कुछ किसी को नहीं पता। जब ये नहीं पता तो तुम मनुष्यता के लेवल से नीचे चले जाओगे तो ऊपर वाला भी बोलेगा तो मैं भी कुछ करता हूँ ऐसा जिससे वो लेवल में आए। तो ये सारे ये सब उथल पुथल मची रहेंगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन उनमें भी कहीं कमी आती है, कभी उछाल आता है, कभी बहुत ज़्यादा विस्फोट हो जाता है, यह दिखता है। एक बहुत मजे की बात बताता हूँ आपको, जन्म कुंडली है या ज्योतिषीय गणना है, इसका आप लाभ नहीं उठा सकते जी, बहुत बड़ी बात बता रहे हो आप, क्योंकि तुमको जो भोगना है वो तुम्हारे कर्मों के आधार पर पहले सेट हो गया, क्योंकि तुमको नहीं पता था कि तुम किसके गर्भ में जाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी। आप किसी देवता के गर्भ में भी जा सकते थे, किसी पशु के गर्भ में जा सकते थे, अपनी माँ के गर्भ में आए तुम ऐसे अचानक नहीं आए, उसके पीछे आपके कर्म आपको आपको उसको वहाँ तक लाने में सक्षम थे, वहाँ तक लाने में प्रेरित थे। तो वह जो कर्म है वह समझना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो ज्योतिष में हम देख सकते हैं गणना करके, ग्रहों की गणना करके, कि हमने क्या कर्म किए थे पिछले जन्मों में जिनके आधार पर मेरे को ये प्रकार का शरीर मिला है। मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लोग जो ये जो पहने आपने, हाँ, ये पहनने से क्या दशा दिशा बदल जाती है, लोगों के कामकाज अच्छे होते हैं, ये बारे में वही मैं बता रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, कि गणना करके कोई भी पंडित, कोई महाज्ञानी ये पता लगा सकता है कि यह मनुष्य किन कारणों से यह दुख भोग रहा है, किन कर्मों से यह सुख भोग रहा है, कैसा इसका आगे भविष्य होगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कितने दिन जिएगा, कब मरेगा, ये सब कुछ पता लगाया जा सकता है, किंतु उसमें फेर बदल नहीं की जा सकती है, यह परम सत्य है। अब आपने बोला कि स्टोन वगैरह जो लोग मुंगा है, हाँ, जो बाकी के लोग, अब बहुत गहराई से सोचोगे तो उसमें भी उसका पिछला कर्म ही प्रेरित करता है, सभी क्यों नहीं पहनते, यह हमारा कुछ ऐसा कर्म किया होगा हमने कि हमने वो उसकी तरफ हम आकर्षित हुए कि मेरे को ये पहनना है, विचार आया वो पहन लिया। अब हम अंदर ही अंदर ये सोचते रहेंगे कि हमने मूंगा पहना था इसलिए हम भाग्योदय हो गया हमारा जी, या फिर हमारे भाग्य में वो था तो हमने पहन लिया। ये बहुत ही डिफिकल्ट, समय में नहीं आता, वो अंडा पहले हुआ मुर्गी पहले हुई, ऐसे कुछ प्रश्न है लोगों में। लेकिन एक जनभावना तो ये है कि ये पहनने से हमारा अच्छा होता है, ऐसे लोग कोई मानते हैं,
तो उसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये सही बात होती है कि पहनने से लोगों का जो है पूरा स्वभाव बदल जाता है, या उनके जो काम काज सुचारू ढंग से होते हैं उन्हें सुख दुख का जो है कि इसके ऊपर से एनालिसिस किया जा सकता है। आप एक बताओ मेरे को, एक बताओ, एक नहीं दो दो बातें बताओ मेरे को। आप प्रश्न के ऊपर, मैं खुद प्रश्न कर देता हूँ कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है किसी चीज का जी, ऑपरेशन करने से वो ठीक हो जाता है ना, तो आप अगले ऑपरेशन की गारंटी लेंगे क्या वो भी ठीक हो जाएगा? आप बताइए, नहीं लेंगे ना, कोई गारंटी काय की भी नहीं है। अच्छा, ये मन का एक वहम, मन का वहम नहीं है, काम करते हैं, हर चीजें काम करती हैं। जी जी, क्रोसिन के खाने से, एक टेबलेट पेन किलर खाने से सर दर्द खत्म होता है जी, लेकिन वही पेन किलर खाने से दूसरी बार तुम्हारा सर दर्द खत्म होगा इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते। अच्छा, वो कोई ऑर्गन पे इफेक्ट भी मार सकता है। वो नहीं बता रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखो, सूरज से धूप निकलती है, गर्मी पड़ती है, बिल्कुल वही सूरज की रोशनी तुमको कभी अच्छी लगती है, कभी खराब लगती है। अब वो हम विज्ञान के आधार पर कितना अंदर तक जाएंगे कि हमको भाई सर्दी हुई कैसे हुई, ठंडी लग गई, दो जन थे साथ में, एक को क्यों नहीं लगी, तुमको क्यों लगी, तो तुमको मलेरिया क्यों हो गया, बोले इसलिए हो गया। हम पता लगाते जाएंगे, वो डीएनए तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई माइकल लाल ये नहीं बताएगा डीएनए कैसे बना, क्योंकि विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहां से आस्था और श्रद्धा शुरू होती है, जिसका कोई सबूत नहीं दे सकता है। तो अब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमको नीलम पहनने से हमारा अच्छा हुआ, कि नीलम हमको पहननी थी, हमारे भाग में थी, कि नहीं पहनते तो भी होता? अभी वो बड़ा विचित्र सवाल है, किसी को अच्छा लगता है नीलम पहनना? मेरा जो सवाल था वो खास ये था, जो कि अपना जो विषय है ग्रहों के बारे में, ज्योतिष के बारे में, ये इससे रिलेटेड है कि ये मेरा बिल्कुल सही है। जिसका जो ग्रह कमजोर होता है, एक्चुअल में क्या है, पृथ्वी लोक ऐसी जगह है जहाँ पे ना तो कोई चीज अधिक अच्छी होती है ना बहुत कम अच्छी होती है जी। ये ब्रह्मांड की ऐसी सतह पे है कि यहाँ पे सब कुछ बैलेंस में लेके चलना पड़ता है, ना तो बहुत ठंडी हम झेल सकते हैं, ना बहुत बरसात झेल सकते हैं, ना बहुत गर्मी। संत अब भोजन करते हैं, आप 200 ग्राम भोजन लेते हैं आप, तो 200 ग्राम में यदि भोजन लेंगे तो ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपको आनंद में स्वादिष्ट भी वही लगेगा। लेकिन आपको जबरदस्ती 500 ग्राम थोपा जाए तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना जी, जी। और यदि बिल्कुल नहीं दिया जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, जैसे दिन है रात है, 12 घंटे की रात है, 12 घंटे का दिन है, यदि उसको 24 घंटे का दिन ही दिन कर दें तो भी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जो शरीर में जो पांच तत्व हैं वो ग्रहों के आधार पर सब वह तत्व बटे हुए हैं जी। तो जो सभी ग्रहों का जो काम है, जैसे बृहस्पति ग्रह मान लीजिए, उसका काम है पाचन क्रिया, जो अपन भोजन करते हैं उसको पचाने का काम बृहस्पति ग्रह के आधार पर होता है जी जी। जो सुनाई देता है वह है बृहस्पति के आधार पर, जो दिखाई देता है सूर्य के आधार पर, जो मन है वो चंद्रमा के आधार पर है, समझ रहे आप? स्वाद है वो शुक्र के आधार पर। अब ये यदि बराबर इसमें रहेगा तो वो हमको सब अच्छे लगते हैं। जो ग्रह कमजोर हो जाएगा, जी मान लीजिए आपका बृहस्पति कमजोर हो गया, तो आपको सुनाई देना कम पड़ेगा, आपका ज्ञान पूजा पाठ आध्यात्मिक ईश्वर क्या है, शक्ति क्या है, इस पर विश्वास नहीं रहेगा। भोजन आपका करने की इच्छा ज्यादा हो जाएगी, चटपटा खाने की, पचने की क्षमता कम हो जाएगी, आप बीमार पड़ेंगे। तो यदि बृहस्पति बहुत ज्यादा तेज हो गया जन्म के समय तो भी यही गति होगी, और बहुत ज्यादा कमजोर हो गया तो भी यही गति होगी। अब इसकी रोकथाम कैसे कर सकते? इसको सेंटर में लाना है। अब जो हमारा ज्योतिष विज्ञान बताता है कि यह जो स्टोन होते हैं इनमें ऐसी तत्व होते हैं जी, जो ब्रह्मांड में जो ग्रहों की रश्मियां हैं उनको एकत्रित करते हैं सूर्य की रोशनी के संकर्षण में आके जी जी। तो जब हम कोई स्टोन को पहनते हैं तो वह जैसे नीलम पहना तो कहते हैं शनि तत्व की पूर्ति होने लगती है। यदि आपका शनि जन्म समय कमजोर है, जन्म कुंडली में कमजोर है, यदि आप जन्म कुंडली को नहीं समझते, नहीं जानते, तो आप शनि से संबंधित जो तत्व होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो कमजोरियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, वह आपके साथ यदि घटित होती हैं तो आप समझ जाइए कि हमारा शनि कमजोर है। जैसे आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा जी, आपका लक्ष्मी का आना जाना, आवागमन, लाभ हानि, आय कम हो रही है, आपका पाँव में घुटनों में, क्योंकि शनि के इसके अधिपति शनि हैं जी, आपके घुटने में तकलीफ हो रही है जी जी, आपको बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का काम मिल रहा है, इस प्रकार की यदि आपको तकलीफें हैं तो समझ लो शनि आपका कमजोर है। यदि शनि कमजोर है तो आप पर नीलम धारण कीजिए, आपको उसका फल स्पष्ट समझ में आएगा।
उसको सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपको पेट में पाचन कम हो रहा है, लीवर में खराबी है, किडनी में खराबी है, सुनाई कम दे रहा है, धन रुक नहीं रहा है घर में, गुरु आपको शिक्षा में आपकी कमजोरी है, समझ लो गुरु खराब है, आप पुखराज पहनिए, ऐसा सभी ग्रहों का आपका मन बहुत विचलित है। पूनम के समय या चंद्र ग्रहण के टाइम पे आपका मन बहुत विचलित होता है, एक काम में लगता नहीं है, मन खराब है, इस प्रकार से आप मोती धारण कीजिए। तो सभी ग्रहों का सभी स्टोन से कनेक्शन अच्छा खासा है, प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन अभी कोई तर्क वितर्क करने के लिए मेरे पास आ जाए कि कई कुतर्क वाले भी होते हैं, हाँ, मैं, आप बोलते हैं तो मैं हाँ उसको पहना के दिखाता हूँ, पैसा करके दिखाओ, तो भाई मैं उससे दूर रहता हूँ, मेरे से वो जमता नहीं है। आपको विश्वास है आप पहनिए, नहीं विश्वास है मत पहनिए, और मेरा कोई वो उससे कोई इतना वो नहीं है कि मैं उसके गारंटी लूँ या मैं उसके ऊपर चैलेंज करूँ। बिल्कुल, एक ऐसा विषय है कि जो आस्था से जुड़ा हुआ है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और बिना सबूत का है। बिल्कुल, जैसे जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि विज्ञान और अध्यात्म, तो विज्ञान के आगे में अध्यात्म, ऐसा इनका मानना है। और ये कुछ हद तक के तोमर साहब का ये जो बात है कि विज्ञान के आगे अध्यात्म है, यानी जिस भी हम भगवान को मानते हैं वो है, तो बिल्कुल यकीनन 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी वजह यह है क्योंकि विज्ञान अभी तक हर बात का मतलब जो शोध बोलते हैं, जिसको खोज है, उसकी वो कर पाया है कि ये लाइट कैसा होगा, इसका इन्वेंशन हुआ है, तमाम बाकी जो कृषि से संबंधित है उन बातों का जो इन्वेंशन हुआ है, मगर ब्लड कैसे बनाया जाए, अंडा कैसे बनाया जाए, राइस कैसे बनाया जाए, प्लास्टिक का ये सब बातें हैं, मगर जो ब्लड की जो एक फॉर्मेशन उसका जो होता है, ब्लड कैसे बनाया जाए, ये विज्ञान अभी भी प्रूव नहीं कर सका है। इसी के चलते विज्ञान जो है आध्यात्म से एक सीढ़ी नीचे है और आध्यात्म आगे है। लेकिन अध्यात्म का फायदा उन्हीं होता है जो अच्छे कामकाज करते हैं, और आप जैसे जो लोग हैं जो लोगों को अच्छी का खासी बातें बताते हैं। मगर एक बात तो सही है कि ग्रह जो ग्रह भी होते हैं, ग्रह आपस में टकराते भी है, कोई विश्वास करता है कोई नहीं करता है, ये लोकतंत्र का देश है और हर देश के नागरिकों को उसकी सोच उसकी समझ दी है, उसको पूरे अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, अब अपने तरीके से वो अब अपने बातों को ज्ञान में इजाफा पाता है, ज्ञान में बढ़ोतरी करता है और उस दिशा से अपने जो कदम है उसको बढ़ाते रहता है। तो अध्यात्म, ज्योतिष और विज्ञान, ये तीनों भले दिखने को डिफरेंट बातें हो, मगर मनुष्य जीवन में ये तीनों बातें काफ़ी मायने रखती है। अनिल तोमर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, जाते जाते आखिरी का सवाल कि इस समय में इन विषयों के तमाम दर्शक आपको गौर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ऐसे हमारे दर्शकों के लिए कम समय में क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? डॉक्टर कैमरा। दोस्तों, ग्रह अपनी जगह सही हैं, आपकी विचारधारा अपनी जगह सही है, संसार में कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता है, हर सामने वाला व्यक्ति उसके सामने होता है, वो नहीं होता है, उसकी विचारधारा एकदम अपोजिट होती है, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों ही सही होते हैं। तो जो जहाँ है वहाँ से शुरुआत करें, सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है, सत्य यही है कि ईश्वर है, उसको कैसे पाना है, कैसे प्राप्त करना है, कैसे उस तक पहुंचा जाए, यह हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋचाओं में, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, और उनके टीकाकरण छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं गुरुओं के द्वारा, सब जगह बहुत ही सुलभ उपलब्ध है। मात्र आपको एक थोड़ा सा अपना निश्चय करना है कि इस पथ पर चलना है, चल के देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सत्य सत्य है और असत्य असत्य है। सबकी सुनो, सबकी साथ चलो, लेकिन वही विचार वही करो जो आपको अंदर से आनंद दे, वो अंदर से आनंद वही देगा जो सत्य होगा, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ज्योतिष पूर्णतः सही है, मैं मानता हूँ इसमें कहीं से कहीं तक 1% भी गलती नहीं है, पर उसको जानने वाला कितना उसको जानता है, यह एक बहुत विचित्र बात है कि नहीं जानने वाला भी बोलता है कि मैं जानता हूँ,
और फिर वो समाज में जाके उसका दुष्प्रचार करता है, गलत गलत प्रिडिक्शन देता है, फिर वही ज्योतिष वही अध्यात्म पाखंड कहलाने लगता है। आज के ज़माने में ज्योतिषीय या ज्योतिष को जानने वाला बहुत कम है, पाखंडी ज़्यादा हैं, बिल्कुल, जो सिर्फ अपना उधर पालन करने के लिए आपको भ्रमित करते रहते हैं। मैं तो कहूँगा उनसे बचो, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही कलयुग में सूक्ष्म करने से बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। एक नियम बना लीजिए आप, कोई भी जिस भी धर्म के हों आप, और उस नियम का पालन मात्र 40 दिन करो, स्वतः ही आपको उसका लाभ और उसका अनुभव होने लगेगा, आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय श्री राम। बिल्कुल, जिस प्रकार से अनिश तोमर साहब ने मार्गदर्शन करते हुए ये बताया है कि जो आपके दिल को अच्छा लगे, पूरी शिद्दत से, पूरी प्रामाणिकता से और पूरा मेहनत करते हुए, कठोर परिश्रम लेते हुए उसको करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी उन्हीं मिलती है जिनके पंखों में बल होता है। और यदि आपको उड़ना है तो आपके पंखों में बल मिलना चाहिए, और बल मिलने के लिए हमें कठोर मेहनत और पूरा सिंसियर तरीके से काम करना होगा, ऑनेस्टी रहना होगा हमारे काम को लेकर, और मेहनत से काम करना होगा। ये जब बातें होंगी तब कहीं हम पूरी तरह से सक्सीड यानी यशस्वी हो सकते हैं, उसके लिए बशर्ते हमें काम करना होगा। और जहाँ इन्होंने ज्योतिष के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया जो पाखंड के नाम पे बोले, ये बात भी दुरुस्त है कि आए दिन ऐसे कई भारतवर्ष में ज्योतिष के नाम पे जिन्होंने अपनी दुकानदारी या चोर चलाई है, वो कई नागरिकों को मूर्ख बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे सिर्फ पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। ऐसे जो ज्योतिष खुद को कहते हैं उनसे आप सावधान होने की ज़रूरत है। और जैसे अनिल तोमर साहब, आप भी एक बहुत बड़े ज्योतिष है, लेकिन इनका ये साफ मानना है कि जिन्हें भरोसा है वही काम करें, जिन्हों भरोसा नहीं है वो कतई अपना हमारे मतलब ज्योतिष का कहना न माने, क्योंकि काम तो काम होता है और कामयाबी उन्हें मिलती है जो काम करता है। जो काम करता है उन्हें उजाला दिखता है, जो काम नहीं करता है उन्हें अंधेरा दिखता है। अब उजाला देखना है या अंधेरा देखना है ये तो आपके ऊपर में निर्भर करता है। तो दर्शकों, आप थे खास मुलाकात इस कार्यक्रम में इनविजिट के स्टूडियो में आए हुए डॉक्टर अनिल कुमार तोमर साहब, जो कि भविष्यवाणी कहते हैं अगली बार फिर हम ऐसी किसी एक पर्सनैलिटी को आपके सामने में कुछ अलग विषयों को लेके रूबरू करवाएंगे। तब तक आप दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात इन विशेष नागपुर। नमस्कार सर, आज आप आए इसलिए हम आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू सर।